नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में सरगर्मी, कांग्रेस में हलचल नहीं। जिला कलेक्टर ने रोडवेज बस स्टैंड का लिया जायजा, अव्यवस्थाएं मिलने पर कैंटीन को कराया सीज। नगर विकास न्यास की बैठक में कलेक्टर मेहता ने विकास कार्यों में तेजी लाने और कोताही न बरतने के दिए निर्देश। गलोंडिया में पैंथर का मूवमेंट मवेशियों को बना रहा है शिकार। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था, यात्रियों को रोडवेज बस स्टैंड पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय बस स्टैंड पर अधिकांश जगह व्यवस्थाओं में खामी पाई गई। जिला कलेक्टर ने यात्री प्रतीक्षालय कक्ष नहीं होने पर जाने पर नाराजगी जताई। मेहता ने टिकट काउंटर पर नियुक्त कार्मिक से बातचीत की तथा बसों के टाइम शेड्यूल की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने रोडवेज बस स्टैंड पर कार्यालयों के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व एवं भविष्य निधि शाखा, सांख्यिकी, सामान्य संस्थापन, प्रबंधक प्रशासन, ETIEM व बैंक शाखा, कैश शाखा, प्रबंधक वित्त, लेखा भुगतान शाखा का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड पर कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। बस स्टैंड पर शौचालय के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर ने ठेका निरस्त करने के लिए लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा तथा कार्यवाहक चीफ मैनेजर प्रदीप जिंगर को निर्देशित किया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड पर स्थापित पुलिस चौकी में पुलिस कार्मिक नहीं मिलने पर वहां उपस्थित चौकी इंचार्ज को कार्मिक नियुक्त करने तथा रोटेशन के साथ पुलिस कर्मचारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने रोडवे बस स्टैंड पर संचालित हो रही कैंटीन का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कैंटीन की रसोई में साफ सफाई नहीं मिलने, गंदगी होने, रसोई घर में ही कपड़े सुखाने तथा वहीं नहाने पर जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही संचालित कैंटीन को सीज करने तथा फूड इंस्पेक्टर को खाद्य तेल सामग्री की जाँच के आदेश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन भिलवाड़ा में कांग्रेस में कोई हलचल नजर नहीं आ रही, जबकि भाजपा नेता और कार्यकर्ता आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा ने सांसद चुनाव के लिए कई उम्मीदवार कतार में हैं, लेकिन कांग्रेस में टिकट कौन लेगा इसकी चर्चा है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में कोई हलचल नहीं है, न कोई नेता बोल रहा है और न ही कोई लोकसभा चुनाव को लेकर अगवा नजर आ रहा है। कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा इसकी भी अभी कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। कांग्रेस कार्यालय वीरान सा नजर आता है, वहां लोगों और कार्यकर्ताओं की आवाजाही भी नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव में पराजित हुए उम्मीदवार भी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले ही जिला कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हो पाया है और ना ही कोई सक्रियता नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यालय शादी विवाह स्थल बनकर रह गया है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि आपसी खींचतान के चलते भिलवाड़ा में कांग्रेस पूरी तरह अस्त सी हो गई है, एक दूसरे की टांग खिंचाई के चलते हालत विकट हो रहे हैं और ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस डूबती नजर आएगी। दूसरी ओर भाजपा में टिकट के लिए मारामारी है। वर्तमान सांसद सुभाष बहड़िया के साथ ही पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, लादूलाल तेली, उमा शंकर के अलावा आधा दर्जन अन्य लोग भी दौड़ में हैं। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में हलचल बनी रहती है और कार्यकर्ताओं के साथ ही जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता और पदाधिकारियों के लगातार दौरे बने हुए हैं। इसके विपरीत कांग्रेस में ऐसा लगता है कि ऊपरी स्तर तक कोई नेता सुध लेने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद इक्का दुक्का नेता ही भिलवाड़ा के दौरे पर आए हैं, हाथ कैसे मजबूत होगा चर्चा तो कुछ और भी है।
भिलवाड़ा यूआईटी में बुधवार को कलेक्टर और न्यास अध्यक्ष नमित मेहता की अध्यक्षता में सिटी डेवलपमेंट कमेटी की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण कार्यों को शीघ्रता से करें, साथ ही कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। मेहता ने कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। सचिव अभिषेक खन्ना तथा नगर परिषद आयुक्त हेमाराम ने सिटी डेवलपमेंट के लिए अब तक की गई कार्रवाई तथा रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी अहवाद सोमनाथ, यूआईटी ओएसडी मोहम्मद ताहिर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर स्थित प्रवेश द्वारों की साफ सफाई, मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य, नवीन प्रवेश द्वार बनवाए जाने हेतु निविदा तथा कार्यादेश जारी करने, प्रमुख सड़कों पर बने डिवाइडर की मरम्मत व रंग रोगन के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई अनाधिकृत कैबिनों को हटाए जाने के लिए उपखंड अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक यातायात रितेश कुमार को अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र की गणेशपुरा ग्राम पंचायत की गलोदिया ग्राम में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। पैंथर ने 3 मवेशियों को शिकार बनाया है। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत पैदा हो गई है। सूचना पर गंगापुर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग द्वारा पैंथर के मूवमेंट का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह से पैंथर का गंगापुर के ग्रामीण इलाकों में लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दिनेश चौहान की रिपोर्ट। महात्मा गांधी अस्पताल और टीबी अस्पताल में अनदेखी के चलते गंदगी फैल रही है, जिससे मरीज, उनके परिजन और अस्पताल के कर्मचारी भी परेशान हैं। महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित टीबी अस्पताल में नया वार्ड तो बना दिया और मरीज कर दिए गए, लेकिन इस वार्ड के लिए बनाया गया सेफ्टी टैंक खुला है और उससे गंदा पानी ही नहीं बल्कि गंदगी भी बाहर उबक रही है, जो बीच रास्ते है। ऐसे में टीबी वार्ड से एमजीएच की ओर आने वाले मरीजों और कर्मचारियों को गंदगी से होकर आना पड़ता है। दूसरी ओर महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित कैंटीन के निकट भी ऐसे ही हालात हैं। पिछले एक पखवाड़े से नाली चौक पड़ी है और गंदा पानी आसपास फैल रहा है, जबकि पास में ही चिकित्सक का आवास भी है। यही नहीं, सड़क पर भी ये पानी पहुंच रहा है, जिससे कैंटीन में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सालाना 40 लाख से अधिक की राशि अस्पताल को कैंटीन से मिल रही है, लेकिन वहां सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फर्श टूटी पड़ी है, कैंटीन के लिए बने शौचालय और बाथरूम पर किसी और का कब्जा है। कैंटीन में कार्यरत कर्मचारी व वहां आने वाले लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। कैंटीन में पानी, बिजली की सुविधा भी ठीक नहीं है। लंबे समय से ठेकेदार द्वारा अस्पताल प्रशासन से मांग करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, कैंटीन पर दरवाजा तक नहीं है। संपत मालिक की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री समर्थक कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह बंटी बन्ना लगभग 4,000 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बीजेपी मुख्यालय पर समारोह पूर्वक पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैलाश सिंह की रिपोर्ट। आज शाजापुर जिले के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उस क्षेत्र के ताकतवर नेता भाई योगेंद्र सिंह बंटी, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। यह परीक्षा 28 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें खामोन निवासी छात्रा अंकिता चौधरी ने भिलवाड़ा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
अंकिता वीर माता माणिक कंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में अध्ययनरत है। अंकिता ने जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय व गांव का नाम रोशन किया। अंकिता ने इस परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर वरीयता सूची में स्थान बनाया। विद्यालय की संस्था प्रधान रीता धोबी ने छात्रा को तिलक लगाकर माला पहनाकर अभिनंदन किया। किशन वैष्णव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह 2024 मध्य प्रदेश के मंदसौर में नंद सेवा संकल्प समिति व रक्त क्रांति फाउंडेशन के तत्वावधान में बुधवार को कुशाभाई ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में आयोजित किया गया। इस आयोजन में सभी राज्यों से संस्थाओं रक्तदान अंगदान में विशिष्ट सेवाओं पर उनका सम्मान किया गया। भिलवाड़ा के शतक रक्तवीर विक्रम दादिज का 104वां रक्तदान सम्मान में मोमेंटो प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, नेपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से आए समाज सेवा में अग्रणी भूमिका वाली संस्थाओं का सम्मान किया। हमीरगढ़ के एक्सपर्ट माइंड पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं नवाचारों से संबंधित विभिन्न मॉडलों का निर्माण कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसायन विज्ञान व्याख्याता अमृता उपाध्याय, देवदत्त व दीपक शर्मा द्वारा सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था प्रधान रेहाना बानू एवं प्रबंधक अल्लाउद्दीन मंसूरी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मानव पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ज्वालामुखी, वायुदाब, वायु प्रदूषण, बूंद बूंद सिंचाई, चंद्रयान, जल बिजली उत्पादन, आधुनिक सिंचाई पद्धति, डीएनए आधारित एवं जीवन को सरल तथा सुगम बनाने में उपयोगी तकनीकों पर अनेक मॉडलों का निर्माण कर उनका प्रदर्शन किया। मैं रोहित प्रजापत, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है वाटर फिल्टर। पहले में गंदा पानी, दूसरे में कंकड़, तीसरे में बजरी, चौथे में कॉटन, पांचवे में शुद्ध पानी यानी प्यूरिफाइड वाटर। इसको अपन पियेंगे तो स्वास्थ्य लिए अच्छा रहेगा। अगर अपन गंदे पानी को भी अच्छा स्वस्थ बना सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सिकेंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। माय नेम इज सारी मसूद, आई रीड इन क्लास 7। माय प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसवर्स सिस्टम विच मूव्स सर्कुलर थ्रूआउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड लाइक ऑटो सीयर टू एक्सचेंज गैसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड हार्ट। मेरा नाम है तो मैं क्लास 6 से पढ़ती हूँ। मेरा मॉडल है एयर पोल्यूशन। इसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे साइंस से टेक्नोलॉजी लेकर आया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आई है चिमनी, जैसे चिमनी के ऊपर फिल्टर लगाकर एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। और एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों का विज्ञान के प्रति इतना रुझान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और निश्चित ही बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और स्कूल के स्टाफ। गुल्ला नेशनल हाईवे 758 स्थित गुल्ला ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि एवं खातेदारी भूमि चरहागा पर की अतिक्रमण को 5 दिन में हटाए जाने की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच श्रवण गुजर ने बताया कि ग्राम पंचायत गुल्ला में अतिक्रमण करने वालों को ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 5 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। यदि ग्रामीणों के पास आबादी भूमि पर स्वामित्व का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण है तो उक्त अवधि से पूर्व कार्यालय हाजा में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विचार किया जाएगा। यदि ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण हटाकर तामीली रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो पंचायत द्वारा पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 62 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। पंचायत गुड़ला की आबादी भूमि पर जिस किसी ने भी अगर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का अतिक्रमण कर रखा है तो 5 दिवस के भीतर उसके संबंधित किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास उपलब्ध है तो ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाएं, अन्यथा उसको अतिक्रमण मानते हुए ग्राम पंचायत गुड़ला के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। तथा पंचायत समिति सुवर्णा के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर आबादी
तथा चरागाह में अतिक्रमण की सूचना मंगवाई गई और हम लोग ने सर्वे किया और आबादी भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा बाड़े बनाकर पत्थर डालकर और तारबंदी करके अतिक्रमण किए हुए हैं और इसकी सूचना हमने आगे भिजवा दी है। और अब हम एक नोटिस जारी करेंगे जो कि सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा अखबार के थ्रू और उसमें हम 5 दिवस का वक्त देंगे ग्रामीणों को जिससे वह स्वयं उस कच्चे जो भी जो कच्चा अतिक्रमण उन्होंने उनके द्वारा किया उसे हटा ले। आइए अब करते हैं श्री कोटड़ी श्याम दरबार के आज के संध्या श्रृंगार आरती के दर्शन। देखते रहिए भिलवाड़ा हलचल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।